हैं कि आपकी 66 रन्स की 5 छक्के 4 चौके अर्ली विकेट्स गिरी हुई थी 14 पे 3 आउट थे जब आप बैटिंग करने गए हो, क्या था उस वक्त जहन में? हाँ बिल्कुल, कि मेरे जो मेन प्लेयर हमारे ऊपर से आउट हुए जैसे नासिर जमशेद और अहमद शहजाद और सलमान अनवर, लेकिन मेरा प्लान यही था कि मैं अंदर रहूँ विकेट पर, जितना स्टे करूँगा थोड़ा सा टाइम लूँगा तो मैं रन कर सकता हूँ, ये एबिलिटी थी मेरे में, तो इसलिए मैं लंबा खेला हूँ तो मुझे फ़ायदा हुआ और टीम भी जीती। किसी खास बॉलर को टारगेट किया था आपने अपनी इनिंग्स के दौरान? ऐसा तो कुछ नहीं, बस एक ऑफ स्पिनर था उसको मुझे नाम नहीं याद, उसको मैंने टारगेट किया हुआ था उसके ओवर में, क्योंकि हमें 15 से 16 रन चाहिए थे एवरेज मेंटेन करने के लिए, उसको मैंने अच्छा यूटिलाइज किया जिसकी वजह से एवरेज अच्छी होगी हमारी। इस टूर्नामेंट के बारे में बताइएगा कि कैसा एक काबिश है, इससे हमारी T20 को और यंग टैलेंट को कैसे? जी बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट हो रहा है स्पेशली पिंडी में, क्राउड आए, क्राउड आके देखे, और साथ में जैसे ड्राफ्टिंग हुई है जिससे दूसरे जैसे सियालकोट की टीम नहीं है उनके प्लेयर हैं और मुल्तान के प्लेयर हैं, फैसलाबाद के प्लेयर हैं, इससे हमारी क्रिकेट और अच्छी होगी क्योंकि इस तरह दूसरी आपस में दोनों टीमें बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। थैंक यू सर। जैसे अपनी आँखों बता दो।